नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र दर्शन विंध्य यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी और मैं आज आ पहुंचा हूं घोघरा। आपने सुना होगा बीरबल का नाम और उनके सुने अनसुने किस्से भी सुने होंगे, जो सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आज मैं उन्हीं की जन्मस्थली घोघरा और चंद्रिका देवी का दर्शन करवाने के लिए आज आ पहुंचा हूं घोघरा। तो चलिए चलते हैं घोघरा देवी का दर्शन करने के लिए। ये है मंदिर जाने के लिए प्रमुख रास्ता। यहां से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर बताई जाती है। तो दोस्तों, ये है चंद्रिका मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और हम अब चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। बीरबल का जन्म मध्यकाल में घोघरा, जो सीधी जिले में आता है, वहां पर हुआ था। बीरबल जी के बारे में बताया जाता है कि यह माँ चंद्रिका के अनन्य भक्त थे और बीरबल और रघुवर दोनों भाई माँ चंद्रिका की पूजा और आराधना करते थे। माँ चंद्रिका का वरदान प्राप्त कर बीरबल बुद्धिमान बन गए और उनकी हर बात सच होने लगी। इस बात की खबर जब तत्कालीन रीवा नरेश को लगी, उन्होंने बीरबल को ससम्मान रीवा किले पर बुलवाया और इनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब इसकी सूचना तत्कालीन सम्राट अकबर को लगी, तब अकबर ने तत्कालीन रीवा नरेश को यह सूचना दी कि आप तत्काल बीरबल को हमारे यहाँ भिजवा दें। तत्कालीन रीवा नरेश ने बीरबल को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया। तब उन्हें सम्राट अकबर द्वारा कुछ धमकी भरे लहजे में संदेशा भिजवाया गया और अंततः बीरबल को रीवा से दिल्ली के लिए भिजवा दिया गया। आपको मालूम होगा कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल। तो चलिए लेके चलते हैं आप सबको बीरबल की जन्मस्थली। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस देवी के प्रांगण में, मंदिर के समीप, जिस देवी ने बीरबल को बुद्धि का वरदान दिया था। तो आइए हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करवाते हैं वहाँ की चंद्रिका देवी का। बताया जाता है कि बीरबल और उनके भाई रघुवर रेही नदी में स्नान करने के पश्चात जल चढ़ाने और पूजा अर्चना के लिए माँ चंद्रिका के पास आया करते थे। यह क्रम निरंतर चलता रहा और माँ चंद्रिका उनकी तपस्या से, उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनको कुछ वरदान देना चाहा। प्रतिदिन रघुवर पहले पूजा और अर्चना के लिए आते थे और बीरबल उनके बाद आते थे, लेकिन जिस दिन वरदान मिलना था उस दिन किन्हीं कारणों से रघुवर यहाँ पर नहीं आए और बीरबल यहाँ पर पहले पहुँच गए। तो देवी को वरदान उसी को देना था जो पहले पूजा में पहुँचना था और देवी ने सोचा कि प्रतिदिन की भांति रघुवर ही वरदान के लिए आएंगे और देवी ने कहा कि मांगो भक्त जो मांगना है। और बीरबल ने कहा, ठीक है माता, तो मैं जो कहूँ वह सत्य हो जाए। तो तब से चंद्रिका देवी ने उन्हें यह वरदान प्रदान किया और वह जो कहते थे वही सत्य हो जाता था। बीरबल ने यह वरदान मांगा कि मैं जो कहूँ वह सत्य हो जाए, जो भी प्रश्न मेरे सामने आए उसका उत्तर मेरे पास हो। और तब चंद्रिका देवी ने वैसा ही वरदान बीरबल को प्रदान कर दिया। इस क्षेत्र में यह प्रचलन है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पहला निमंत्रण, प्रथम निमंत्रण यहाँ की देवी को दिया जाता है। अभी
हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ क्या कार्यक्रम है? शादी है, तो ये आए हैं माँ चंद्रिका को निमंत्रण देने के लिए। तो आपके यहाँ शादी है, कब है? 29 तारीख को तिलक है और 5 तारीख को बारात है। तो आप कैसे आमंत्रण देते हैं, थोड़ा सा दीजिए, कैसे देते हैं? एक बार और दे दीजिए। तो चलिए हम आज आपको लेके चलते हैं जहाँ बीरबल स्नान करते थे, और स्नान करने के पश्चात बीरबल और उनके भाई रघुवर देवी की साधना करते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है रेही नदी, और इसी नदी पर बीरबल और उनके भाई रघुवर स्नान करके, और इस नदी के किनारे स्थित एक पहाड़ी पर स्थित गुफा पर चंद्रिका देवी का ध्यान लगाते थे। हम दिखाने वाले हैं उस गुफा को, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं इस गुफा में दो द्वार हैं, एक में बीरबल और एक में उनके भाई रघुवर माँ चंद्रिका की साधना करते थे। हम चलने का प्रयास करते हैं गुफा के अंदर। दोस्तों ये है गुफा जहाँ पर बीरबल बैठकर और माँ चंद्रिका का ध्यान लगाते थे, और ये गुफा बिल्कुल चट्टान पर टिकी हुई है। आप देख सकते हैं ये कोई छत नहीं है, ये बिल्कुल पहाड़ की चट्टान है जिसमें बीरबल और रघुवर माँ चंद्रिका की साधना करते थे। माँ चंद्रिका के मंदिर परिसर के अंदर ही कुछ और भी देवता विराजमान हैं, आइए हम दर्शन करवाते हैं उनका। यह है माता कालिका जो मंजी हुई हैं, बजरंग वाली, ये शिव जी भी राजे हुए हैं यहाँ पर, और उनके निकट कुछ और शिवलिंग हैं, और यह है कालिका मैया। प्राचीन शंकर जी हैं जो बीरबल के समय विराजमान किए गए थे, और उनके निकट ही हैं हनुमान जी स्वामी जिनका अवलोकन आप वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। माँ चंद्रिका का ही प्रतिरूप एक दूसरे मंदिर में विराजमान किया गया है जिसका अवलोकन आप वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। मंदिर के मध्य परिसर में स्थित है एक पीपल का वृक्ष, और वहाँ पर विराजमान है कुछ शिवलिंग। ये भवन है धार्मिक कार्यों के लिए, मानस, रामायण, सुंदरकांड और रसोई के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जिन भी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो यहाँ आकर मुंडन कथा, रामचरितमानस, सुंदरकांड आदि का आयोजन कर विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। सकते हैं एक नवीन धर्मशाला का निर्माण किया गया है जहाँ पर बैठकर श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप देख सकते हैं ये है रेही नदी, और ये आगे जा करके सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी का रेत आपको दिख रहा है, ये है सोन नदी जो यहाँ से लगभग 500 मीटर पर है। यह बताया जाता है कि यहाँ देवी से जो भी मांगा जाता है वह पूरा होता है, जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। यहाँ बकरे की बल दी जाती थी जिससे यहाँ पर खून की धाराएं बहती थी। उस खून की धारा को रोकने के लिए दंडी बाबा ने बकरे के बल पर प्रतिबंध लगाया, और दूसरे तरीके से बकरे की बल देने की नई प्रथा की शुरुआत की। यहाँ बताया जाता है कि मंत्रोच्चारण के साथ जब चावल और फूल अक्षत बकरे के ऊपर फेंका जाता है तब वह जमीन पर गिर जाता है, और दूसरा मंत्रोच्चारण कर अक्षत और फूल जब उसके ऊपर फेंका जाता है और देवी जी के जयकारे के साथ वह पुनः जीवित होकर उठकर खड़ा हो जाता है। तो इस तरह की नई बल की प्रथा की शुरुआत भी घोघरा मंदिर से की गई है।
दोस्तों, इस मंदिर और चंद्रिका देवी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज हम जुड़ने का प्रयास करते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। पंडित जी, सादर प्रणाम आपको। जी, शुभ नाम आपका? चंदन प्रसाद तिवारी। तो ये बीरबल जी की जन्मस्थली है और ये वही चंद्रिका देवी हैं जिन्होंने बीरबल को बुद्धि का वरदान दिया था। तो क्या है इनकी ऐतिहासिकता, ये यहाँ से निकली हैं या इनको स्थापित किया गया है, क्या जानते हैं आप इनके बारे में? ये बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी है। यहाँ के सियान लोग बताते हैं जो है कि यहाँ जो है पहले खपड़ेल टाइप का बना था मकान, फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ और विकास होने पर जो है यहाँ जो है अभी समय जो है एक SDO साहब ने इसको पक्की के रूप में बनाया और यहाँ का विकास धीरे धीरे जो है हो रहा है। अगर हम चाहेंगे कि और हमारे मंत्री मिनिस्टर जो है इसका विकास और आगे के लिए करें। पंडित जी की अपेक्षा है कि सरकारें भी वीर बल की जन्मस्थली और उस देवी के तीर्थ स्थान के बारे में ध्यान दें जिसने विंध्य क्षेत्र को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। बताया जाता है कि बीरबल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और पुजारी जी ने अभी हमको बताया कि हम उन्हीं के परिवार में से हैं क्योंकि बीरबल की कोई संतानें नहीं थी और ना ही उनके भाई रघुवर की कोई संतानें थी, आप उन्हीं के परिवारों में से हैं। स्थानीय लोगों से पूछने पर यह बताया गया कि बीरबल का घर यहीं पर था और उनके स्मरण पर यहाँ पर एक विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। यह सामुदायिक भवन मंदिर परिसर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है और यहाँ चौकीदार भी रहते हैं, एक चारपाई भी बिछी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पवित्र दर्शन विंध्य को सब्सक्राइब करें।